नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। बिहार से ये खबर आ रही है। बिहार के दरभंगा में 27 जुलाई शाम 4 बजे से 30 जुलाई शाम 4 बजे तक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब समेत 22 सोशल मीडिया ऐप पर बैन रहेगा। साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिन सोशल मीडिया ऐप पर तत्काल रोक लगाया गया है उनमें से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, स्काइप, वी चैट, टेलीग्राम, स्नैपचीट, क्यूजोन, टुबलर, पिंटरेस्ट, रेडिट, बैडू, स्नैपचैट, यूट्यूब, वाइबर, लाइन, विनिक और बहुत सारे जैसे फ्लिकर भी है, जॉट, क्यूक्यू और मैसेजिंग सेवाएं स्थगित रहेंगी। दरभंगा प्रमंडल उपनिदेशक जनसंपर्क की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। देखते हुए राज्य सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5 के तहत जिले में 27 जुलाई शाम 4 बजे से 30 जुलाई शाम 4 बजे तक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर तत्काल प्रभाव से व्यापक सेवाएं स्थगित कर दी है। दरअसल दरभंगा में पिछले 5-6 दिनों में दो समुदाय के बीच आपसी तनाव का मामला सामने आ रहा है। जिले के सिमरी थाना के क्षेत्र के बनौली हेलीपैड के पास बुधवार रात मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि ब्रह्मस्थान के पास झंडा लगाने को लेकर यह बवाल हुआ था। इसके साथ ही मुहर्रम की मिट्टी लाने को लेकर भी दो पक्षों में भयंकर लड़ाई हुई थी। तब सदर SDPO समेत अमित कुमार समेत भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया था। यह मामला 26 जुलाई का है। इससे पहले 24 जुलाई को कमतौला थाना क्षेत्र में मुहर्रम जुलूस में DJ बजाने को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। 25 जुलाई को तो इजरहटा गांव स्थित मठाराही में दो समुदायों के बीच जमकर मारपीट भी हुई थी। यहां भी मुहर्रम झंडा को लेकर दो पक्ष आमने सामने थे। तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया था। यहां हो रहे बवाल और आपसी तनाव के बाद भड़काऊ पोस्ट और फेक न्यूज लगातार वायरल हो रहा था। भड़काऊ पोस्ट और फेक न्यूज से स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती थी, जिसके बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इंटरनेट बैन करने का निर्णय लिया। इससे पहले बिहार के कटिहार जिले में भी बिजली को लेकर बवाल हुआ था। कटिहार के बरसोई प्रखंड कार्यालय में बिजली कटौती के खिलाफ भारी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, अचानक कुछ उपद्रवियों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई। तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फायरिंग की, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ही हालात गंभीर बताई जा रही है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस लोगों पर दनादन फायरिंग करती नजर आ रही है। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात कही है। फिलहाल के लिए बिहार न्यूज में बस इतना ही। और भी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।